हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकबॉक्री क्रिएशंस। कैसे आप सब? आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आऊँ एमटीजी पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बायोलॉजी बुक कर दी। दोस्तों, ये बुक मेनली नीट और मेडिकल एंट्रेंसेस के लिए डिजाइन की गई है, यानी कि अगर आप किसी भी पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो देन ये बुक और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। दोस्तों, इस बुक के अंदर आपको क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बायोलॉजी के नोट्स मिलेंगे हर एक चैप्टर के। क्लास 11 के 22 चैप्टर्स इस बुक के अंदर कवर्ड है, साथ साथ जो 16 चैप्टर्स हैं क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के, वो भी आपको इसमें कवर किए मिलेंगे। और इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस, और जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं नीट या फिर किसी भी मेडिकल एंट्रेंसेस में, वो भी आपको इसमें कवर किए मिलेंगे विद हिंट्स एंड सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, इस बुक का कंटेंट कैसा रहता है, क्या इस बुक के थ्रू आप नीट और किसी भी मेडिकल एंट्रेंसेस को क्रैक कर सकते हो, ये आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ये बुक यूजफुल लगे तो आप इसे बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको बाय लिंक मिल जाएगी। एमआरपी है इस बुक की 900। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बुक के कंटेंट को बारीकी से। अदर मेडिकल एंट्रेंसेस के लिए ये गाइड एक पॉपुलर ऑप्शन है। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इस बुक को बाय करते हैं और इस बुक के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करते हैं। वजह यह है कि ये जो बुक है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें जो आपको कंटेंट मिलेगा वो आपको हूबहू एनसीईआरटी जैसा मिलेगा। तो चलिए हम खुद देख लेते हैं कि इसका कंटेंट कैसा रहता है, ऐसी क्या खास बात है इस बुक में, जो टॉपर्स रहते हैं वो भी इस बुक के थ्रू अपनी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पर। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये बुक टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपको क्लास 11 के चैप्टर्स की तरफ ले जाता है, जिसमें यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें चैप्टर 1 आपको मिलेगा द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। यूनिट 2 है क्लास 11 की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूनिट 3 आपको मिलेगी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी, और यूनिट 5 क्लास 11 बायोलॉजी की है ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके बाद आपको ये क्लास 12 के चैप्टर्स मिलेंगे। यूनिट 6 रिप्रोडक्शन, जिसमें पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर ये यूनिट 7 है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यूनिट 8 है क्लास 12 बायोलॉजी में बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी। यूनिट 10 इकोलॉजी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, 3 प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे क्लास 11 में भी और क्लास 12 में भी। और फिर आपको नीट मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा क्लास 12 के प्रैक्टिस पेपर्स के बाद। तो सबसे पहले हम क्लास 11 के कंटेंट को देख लेते हैं। ये पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, आपको एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगे, यानी कि जो एनसीईआरटी की थ्योरी रहती है वो कंसाइज फॉर्म में आपको इस बुक में मिलेगी। जो भी थ्योरी कवर की गई है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आप ये ना सोचें कि इसमें आपको कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो एनसीईआरटी से बाहर की है। हालांकि आपको ये कुछ एक्स्ट्रा जो डिटेल रहती है एक पार्टिकुलर टॉपिक की, वो आपको ये प्लस के कॉलम में मिल जाएगी। तो नोट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आपके लिए अगर आप किसी भी मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है उनका रिवीजन करना। तो इन नोट्स के थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको ये एक एचडी पेज मिलेगा, जिसमें आपको एक टॉपिक को बेटर वे में समझाया जाएगा, जैसे कि इसमें एक स्पीसीज का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो बताया गया है। सबसे पहले उसकी किंगडम डिसाइड की जाती है, फिर उसकी फाइलम या डिवीजन डिसाइड की जाती है, फिर क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज के अकॉर्डिंग एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता है। फिर एमसीक्यूज कॉर्नर है, इसमें आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज वो कवर किए गए हैं। टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, जैसे कि टॉपिक 1.1 व्हाट इज लिविंग, फिर टॉपिक 1.2 है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टॉपिक 1.3 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टोटल 100 एमसीक्यूज आपको पहले चैप्टर में मिलेंगे। उसके बाद आपको ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स मिलती हैं पहले चैप्टर में, टोटल 10 है। फिर देन ये ए एंड आर कॉर्नर, यानी कि असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस जो काफ़ी अच्छे खासे आ जाते हैं नीट में और मेडिकल एंट्रेंसेस में, इसलिए वो भी कवर किए गए हैं। फिर ये थिंकिंग कॉर्नर, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देन उसके बाद आपको ये एग्जाम आर्काइव का कॉलम मिलेगा, जिसमें नीट और मेडिकल एंट्रेंसेस में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस बने हैं वो सब इस कॉलम में आपको कवर किए मिलेंगे। इन क्वेश्चंस के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी क्वेश्चंस के आपको हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन पर अटक जाओ, आप उसका आंसर सही तरीके से फाइंड ना कर पाए, देन आप हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको आंसर की भी मिलेगी सभी क्वेश्चंस की। अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर पर, जो कि बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन क्लास 11 का। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी नोट्स मिलेंगे, यही पैटर्न आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो एनसीईआरटी नोट्स, फिर उसके बाद आपको एमसीक्यूज कॉर्नर मिलेगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एक्स्ट्रा किए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके चांसेस रहते हैं
आने के नीट और मेडिकल एंट्रेंसेस में। तो दोस्तों अगर आप बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालो नीट या फिर किसी भी मेडिकल एंट्रेंसेस स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के एंट्रेंसेस होते हैं, देन आप पाओगे कि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, यानी कि एनसीईआरटी अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है बायोलॉजी के लिए। अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक या मैं कहूँ हाई लेवल की बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी अच्छी बात है, लेकिन किसी स्टैंडर्ड बुक पे मूव करने से पहले अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू अपने कंसेप्ट बिल्ड कर लो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो फंडामेंटल कंसेप्ट रहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने में भी मदद मिलेगी। एनसीईआरटी की रीडिंग के बाद आप इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, इस गाइड को। इस गाइड में आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है और इस बुक के थ्रू आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। अगर आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अपने कंसेप्ट बिल्ड कर लिए क्लास 11th और 12th बायोलॉजी के, देन आप इस गाइड के साथ जा सकते हो। इस गाइड में आपको ना सिर्फ एनसीईआरटी थ्योरी कंसाइज फॉर्म में मिलेगी, नोट्स फॉर्म में मिलेगी, बल्कि आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जिनके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो एचडी पेजेस रहते हैं इस बुक के वो भी एक अच्छा फीचर है, जिससे जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स रहते हैं जो आप इजीली नहीं समझ सकते वो इन एचडी पेजेस के माध्यम से समझ सकते हो आसानी से। तो चलिए अब हम चलते हैं क्लास 12 बायोलॉजी के पोर्शन पर, जिससे हम जान जाएं कि क्लास 12 बायोलॉजी का पोर्शन कैसा कवर्ड है इस बुक के अंदर। तो ये क्लास 12 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें आपको सभी चीज़ें बताई जाएंगी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया जाएगा आपको, डायग्राम्स मौजूद हैं। और अगर मैं बात करूँ इस बुक की विजुलाइजेशंस की तो विजुलाइजेशंस भी काफ़ी अच्छी हैं इस बुक के अंदर। इमेजेस कवर्ड हैं, टेबल्स कवर्ड हैं, फिगर्स कवर्ड हैं। इन सब चीज़ों के थ्रू आप कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो बायोलॉजी के। फिर जो आपके ये जो एचडी पेजेस रहते हैं ये और ज़्यादा आपके कंसेप्ट को निखार सकते हैं अगर आपको एक पार्टिकुलर टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रही है तो। उसके बाद आपको ये एमसीक्यूज कॉर्नर मिलेंगे। एमसीक्यूज कॉर्नर ये जो जैसे मैंने आपको बताया ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक्स कवर्ड हैं उन सभी टॉपिक से आपको एमसीक्यूज बनाए हुए मिलेंगे। तो ये बात तो तय है कि अगर आप नीट या फिर किसी मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अब एनसीईआरटी के बाद आपको किस गाइड के साथ जाना है ये मैटर करता है। तो ये गाइड एक अच्छा ऑप्शन रहती है क्योंकि ये जो गाइड है वो टोटली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पर बेस्ड है। इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको जो नोट्स मिलते हैं वो आपको आपके एकेडमिक्स में भी मदद कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। क्योंकि आप जब कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है कि आप रिविजन भी करते चलो। तो इस बुक की जो थ्योरी है, इस बुक के जो नोट्स हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं जस्ट बिफोर दी एकेडमिक एग्जाम्स एज वेल एज बिफोर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये 6th चैप्टर है क्लास 12 बायोलॉजी का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स की सीरीज में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की गाइड्स भी मिलती हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। आपको सभी गाइड्स की बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इस बुक में आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे जिससे कि आप अपनी एडिशनल प्रैक्टिस पे भी फोकस कर सकते हो। क्लास 11 बायोलॉजी में भी आपको 3 प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं, तो क्लास 12 बायोलॉजी के पोर्शन में भी 3 प्रैक्टिस पेपर शामिल हैं। और हर एक प्रैक्टिस पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आपको आंसर कीज एंड में मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस पेपर 2 है। तो ये जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं ये इस बुक की एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि इन प्रैक्टिस पेपर्स के थ्रू हम अपनी एडिशनल प्रैक्टिस पर भी फोकस कर सकते हैं। ये आंसर कीज है, ये एक नीट का मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा जिसकी प्रैक्टिस से आप ये तय कर सकते हो कि आप कितना प्रिपेयर हो चुके हो नीट बायोलॉजी के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया लग गया होगा इस बुक के कंटेंट के बारे में, आपको पता चल गया होगा कि क्या ये गाइड आपके लिए यूजफुल है या नहीं। अगर आपको वाकई मदद मिली हो इस वीडियो के थ्रू तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको आने वाले समय में भी मिलती रहें। तो चलिए मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।